दोस्तों वीडियो में हम लोग इनडेप्थ में एनालिसिस करेंगे बराना ऑट वॉरियर्स वैसे सारी सारी सनराइजर्स के बीच जो होने वाला है दोस्तों आज का दिन का दूसरा मैच नेचर आईस एल टी टेन का दोनों ही टीम के बारे में इनडेप्थ में एनालिसिस करेंगे इसी के साथ दोस्तों हम लोग अगले मैचेस जो कवर करने वाले वो होने वाला है अंडर नाइनटीन एशिया कप उसके बाद दोस्तों होने वाला है आ, वोमेंस टी ट्वेंटी आई क्वालीफाइड ठीक है और फिर निचा एसिल तो चलेगा और फ्यूचर में अगर कुछ भी एसोसिएट्स और डोमेस्टिक मैचेस ऐड हुआ मैं ट्राई करूंगा उसके एक्सक्लूसिव कवरेज लाऊं आपके लिए तो चैनल में आप अगर न्यू हो फर्स्ट टाइम देख रहे हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम मैं सिर्फ इस मैच का बात नहीं कर रहा हूँ अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमो टीम के लिए ठीक है अगर इफ पॉसिबल मैं इस मैच का ग्रैंड लीग टीम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है आते हैं एनालिसिस में सीरीज़ प्रीव्यू चार मैचेस में एक बैट फर्स्ट तीन बैट सेकंड ने विन किया सौ एक सौ दस एवरेज स्कोर है बेसिकली देखो अभी बारिश गिर रहा है और रेन के कारण पिच में थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ रहा है इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है बट रन बन जाते हैं बट ये पिच जब ड्राई हो जाएगा ना और भी ज़्यादा तब स्पिनर्स को और भी ज़्यादा हेल्प होगा और ऐसे भी वेस्ट इंडीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प होता है पिचेस से बी ए डब्ल्यू के प्लेयर्स अगर आप देखोगे एक मैच खेलते हुए इन्होंने एक मैच विन किया इनसे प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर में दोस्तों ओपन करने वाले स्टीफेन नाइतराम जो सबसे बेहतरीन प्लेयर होना चाहिए आपके लिए एक मस्ट भी प्लेयर होना चाहिए कैफ भी से भी बना सकते हो ये लास्ट ईयर भी इनका अच्छा था करेंट ईयर भी स्टार्ट अच्छा गया आ, जे जे एन बेंजामिन एज अ प्लेयर लेना नॉट एज कैफ बी सी देखो जे यू जे एन अगर बॉलिंग नहीं करते ना इनको रिस्क होगा कैप्टन बनाना इवन दोस्तों ड्रॉप भी कर सकते हो बट ड्रॉप करने में भी रिस्क है क्योंकि देखो ये जब चल जाएगा ना ये बड़ा चलता है दोस्तों और बहुत पिटाई करते हैं बहुत कम बॉल में तो फिलहाल जेव जैन ऐसा प्लेयर जरूर रखेंगे मार्विन मैथ्यू ने एक ओवर डाला चार रन पे जीरो विकेट निकाले थे दोस्तों लास्ट मैच में इस टीम से जो मेन प्लेयर है मेन बॉलर है वो है गिलोन टाइसन मस्ट भी प्लेयर होना चाहिए लास्ट मैच में डियान जोसेफ ने दोस्तों दो ओवर बॉल करते हुए एक विकेट निकाला तो ये जनता का बेस्ट चॉइस हो गया कैब जनता इनको अपनी टीम में रख लेंगे बट मेरा मानना है कि फेबियन बेंजामिन जो है ये इनसे भी बेटर बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं टीम के लिए तो मैं फिलहाल फेबियन को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कम्पेयर टू गुंग तो जिया डियान जोसेफ़ बट एक चीज़ क्लियर है कि डियान जोसेफ ने दो ओवर कराना है मतलब मेन बॉलर टीम ने सोच के रखा है इसीलिए इसने दो ओवर डाला है अदरवाइज बेंजामिन भी दो ओवर डाल सकता था कि हेमिल्टन तो दोस्तों बॉल फर्स्ट डिया डायलन जोसेफ़ को जरूर ले लेना डेथ कर लेगा कैमल हेमल्टन दोस्तों अच्छी चॉइस है टीम में रखना इनको जरूरी है मेरे हिसाब से बॉल फर्स्ट स्पेशली और भी ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि देखो वहाँ पे ना ओपोनेंट टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं इस टीम के पास अगर बैटिंग यूनिट देखोगे ना हेवीली डिपेंड्स ऑन स्टीफन नेत्र मगर इनको छोड़ देते हो ना बाकी सब थोड़े से हिट और मिस है बट एक चीज़ इनका अच्छा भी है कि इनके जेनल यूजेन या फिर मैथ्यू या फिर वह गिलन टाइसन ये सब को बैटिंग आता है तो ये एक टीम का बैलेंस भी बढ़ा देता है थोड़ा सा ओपनिंग बॉलिंग मार्विन मैथ्यू डी जोसेफ़ जी टाइसन डेथ में जी टाइसन डी जोसेफ और के हेमल्टन करते हुए दिखेंगे ये स्टीफेन नाइत्रम का देखोगे इस सीरीज से पहले लास्ट ईयर था 2022 में नहीं 2023 हज़ार तेईस में हुआ था नौ मैच में 246 246 रन बनाया दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेयर है दोस्तों स्टीफन नाइत्रम इनको छोड़ने का रिस्क गलती से भी मत करना मस्ट भी प्लेयर ही होना चाहिए और बढ़िया कैप बी सी भी बना सकते हो ये जे एन बंजाम में लास्ट ईयर अच्छा नहीं था नौ मैच में सिर्फ सतहत्तर बट दो में नहीं का लास्ट सीजन बट दो वाला सीजन बारह मैच में बावन के अवरेज से चार रन बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है दोस्तों एकदम से जहर पिक होना चाहिए मस्ट पिक प्लेयर है, है और बढ़िया मतलब जहर पिक नहीं है कैप भी सी मत बनाओ तो फिर इनका ना सही बात बताऊँ प्लेयर अच्छा है इन्होंने बावन का एवरेज से टी में रन बनाया बहुत ही बढ़िया है बट लास्ट सीजन ना इनका बहुत ज़्यादा ऑफ था मतलब हद से ज़्यादा ऑफ सीजन था लास्ट वाला तो इसके अकॉर्डिंग ये मस्ट पिक प्लेयर नहीं बनते बट मैं मानता हूँ कि क्योंकि ओपन आ रहा है तो ये सेफ प्लेयर है और सेफ प्लेयर के साथ रिस्क नहीं लूंगा अगर आपके पास डेफिनेट कोई चॉइसेस है बात अलग है अदरवाइज दोस्तों फिलहाल सेफ प्लेयर के साथ रिस्क ना लेना ही सही बात होगा ठीक है मरविन uh, मैथ्यू अगर देखोगे दोस्तों नौ मैच में वन बनाया लास्ट मैच में ठीक ठाक चॉइस है uh, सेफ ऑप्शन रहेंगे रख लेना मेरे हिसाब से मरविन मैथ्यू क्योंकि हिटिंग भी करते हुए दिखेंगे पार्ट टाइम बॉलिंग कम करते हैं लास्ट सीजन 2023 में पार्ट टाइम बॉलिंग नहीं कराया था बट इस मैच में देखोगे तो लास्ट मैच में इन्होंने एक ओवर डाला मतलब इसको बॉलिंग आता है पास में भी इसने डाले थे बट 2023 मतलब लास्ट सीजन में इसने नहीं डाला बट लास्ट ईयर इन्होंने बॉलिंग किया था मार्विन ने शलिन जॉर्ज मतलब नहीं बनता ओस जॉर्ज मतलब नहीं बनता दोस्तों इनको अपनी टीम में रखने का बहुत ज्यादा यहाँ पे रिस्क अननेसेसरी रिस्क हो जाएगा इनको अगर आप अपनी टीम में रखते हो जोनल यूजन दोस्तों इन्होंने लास्ट सीजन दो में नौ मैच में दो सौ का एवरेज क्योंकि कई मैच में नॉट आउट था और अच्छा हिटिंग कर रहा था दोस्तों दो सौ रन सात ओवर भी डाला और तीन विकेट भी निकाला प्रॉब्लम है कि हमेशा बॉलिंग करते नहीं है तो बॉलर तो में, में पांच विकेट है दोस्तों कर्मल मैच, में छह विकेट वेरी डिसेंट चॉइस रख सकते हो दोस्तों टीम में सब रखेंगे डायलन जोसेफ नौ मैच में लास्ट सीजन सोलह ओवर में छह विकेट बारह मैच में तेईस ओवर में आठ विकेट डायलन जोसेफ्ट फेबियन का अगर देखोगे तो छह ही मैच खेला बट इन्होंने ग्यारह ओवर में छः विकेट निकाला मतलब फेबियन का नंबर ऑफ विकेट रेट इनका लास्ट ईयर दो में अच्छा था बट दो में देखो फेबियन का बारह मैच में सिर्फ बारह ओवर छः विकेट 2022 में डायलैंड का देखो 12 मैच में 49 रन तेईस ओवर आठ विकेट तो दोस्तों कंसिस्टेंट आपको नहीं दिखेगा कि हर सीजन में डायलन अच्छा कर रहा है या हर सीजन में फेबियन अच्छा कर रहा है 2023 मतलब करंट ईयर का जो फर्स्ट फो, सीजन का मैच हुआ उसमें दोस्तों कौन अच्छा किया फर्स्ट सीजन में फैबियन बेंजामिन ने और अभी जो सीजन चला स्टार्ट हुआ दोस्तों फेबियन विकेट ले सकते किफ़ायती बॉलिंग करने के बाद भी और डायलन को एक विकेट मिल गया तो ये क्रिकेट है ये होता है दोस्तों अक्सर ठीक है जेमी जेम्स मतलब अभी एडविन बर्टन भी खेलने से मत लेना डेस्केट्स अगर खेलता है तो ले सकते हो दोस्तों सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर होगा इस टीम का एस 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 ट्रिपल एस से आते हैं दोस्तों से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पोवल बैटिंग में कॉफी जेम्स ओपन कराएगा कर्शक की जेनो लुइस के साथ दोनों दोस्तों प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी देखो जेनो लुइस बिकॉज बॉलिंग ही की बॉलिंग भी किया कि एफ बी सी भी बना सकते हो बट मैं मानता हूँ कि कॉफी जेम्स बेटर ऑप्शन रहेंगे एस के एफ बी सी जिसने बॉलिंग नहीं किया था कॉफी ने बट ये कराएगा टेरोन थियोफ्लाइल भी बॉलिंग नहीं किया था बट ये करा लेंगे दोस्तों डैलन थियन जॉन ने एक ही ओवर डाला छब्बीस रन खाया अगले ओवर में जेनो लुइस ने पाँच बॉल में सत्रह एकदम मैच खत्म हो गया अदरवाइज दोस्तों पक्का कोफ़ी जेम्स और थियोफाइन बॉलिंग करता देखो इस टीम से मैं जिसको रखूँगा कोफ़ी जेम्स रखूँगा के आ, जेनो लुइस को रखूँगा थियोफाइल को रखूँगा एंड डियो बाटन को रखूँगा ये तीन चार प्लेयर मुझे अच्छे लगे जूनियर जबियर भी ठीक है बट इसने अगर बॉलिंग नहीं किया दोस्तों यूजलेस हो जाएगा बॉलर में से डिलन जॉन ने पिटाई हो गया था बट जैसन विदाल जो है वो भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए ओपनिंग बॉलिंग डिलन जॉन के तो ये मायने नहीं देगा सिर्फ दो तीन ही ओवर हुआ अगर आप देखोगे ना आ, आ, इस सीरीज से पहले में डियोन बर्टन ध्यान देना डिग जेम्स मतलब नहीं बनता डियोन बर्टन बारह मैच में थ्री फोटी सेवन रन पैंतीस के एवरेज से दो हज़ार बाईस वाला सीजन में अच्छा प्लेयर अच्छा है अच्छा हिटिंग कराया था डेल रॉय लेवरपुल इग्नोर करेंगे जूनियर जवियर नौ मैच में दो हज़ार तेईस में वन फोर्टी एट रन दो हज़ार बाईस में अच्छा सात मैच में नाइन्टी वन रन अच्छा हिटिंग कर लेता है बट बैटिंग ऑर्डर शायद थ्री डाउन हो जाएगा टू डाउन हो जाएगा तो अभी मैं नहीं लूँगा कोफ़ी जेम्स जो इस रिसेंटली सुपर फिफ्टी कप खेल के आ रहे हैं अच्छा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं दोस्तों वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे ज़्यादातर मैच में लास्ट ईयर भी आठ मैच में पंद्रह ओवर सात विकेट मतलब ये आपको बॉलिंग हंड्रेड परसेंट करते हुए दिखेगा मस्ट भी प्लेयर होना चाहिए टायरोन थियोफाइल आठ मैच में पाँच ओवर दो विकेट प्लस एक रन बैट बॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है ऐसा नहीं है कि कैप्टेंसी वाला पीक है बहुत सारा पॉइंट देगा बट ये पॉइंट दिया जाता है कुछ ना कुछ जैसन विल्डाल एज अ प्लेयर रख सकते हो दोस्तों सात मैच बारह ओवर में सात विकेट प्लस छियासठ रन अच्छा बैट बैटबॉल दोनों से पॉइंट दे सकता है के, के जेनो लुइस चार मैच में सिक्सटी थ्री रन तेरह ओवर एक विकेट बॉलिंग करेंगे दोस्तों वो तो डोमेस्टिक दो हज़ार तेईस में खिलाए सेविया अनसेलेम डिसन चॉइस बॉल फर्स्ट आठ मैच ग्यारह ओवर में तेरह विकेट है डिलोन जॉन दोस्तों बॉल फर्स्ट ले लेना लास्ट मैच में एक ओवर में बहुत पिटाई हुआ बट हाँ हर बार ऐसा होगा नहीं और डेथ में भी आ सकता है दोस्तों नाइल पेन और टी लेबलैंग को मैं फिलहाल इग्नोर करूंगा इनमें से लेना है तो दोस्तों आप नाइल पेन को ट्राई कर सकते हो तो जिन्होंने पाँच मैच में सात ओवर में तीन विकेट निकाला बट लेबलैंग ने आठ मैच में ग्यारह ओवर सिर्फ ग्यारह ओवर डाला और सिर्फ और सिर्फ दो ही विकेट निकाल पाया है दोस्तों कब तो खेला था दोनों ने दो वाला एडिशन खेले थे अब चलते हम लोग ड्रीम इलेवन टीम में अब तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और फटाफट से जुड़ जाओ दोस्तों टेलीग्राम चैनल दोस्तों फिलहाल जो मेरा टीम रहेगा देखो विकी में, में स्टीफन नाइड्रम लेना जरूरी है बेंजामिन भी ओपन आया तो रख लेंगे डेयन बार्टन ट्राई कर सकते हो ये वन डाउन खेलेगा और ये अच्छा हीटर है डेन बार्टन को ओपन आना चाहिए था फिलहाल मैंने मरविन मैथ्यू लेना है जैक जेरवियर बैटिंग पॉजिशन जेरवियर और डियोन बार्टन में से कोई एक वन डाउन खेलेगा जो भी वन डाउन खेलेगा उसका रोल अच्छा खासा रहेगा इस मैच में अच्छा डिफेंशियल बन सकता है टाइसन है हमारे पास कॉफी जेम्स है यूजन वन डाउन और थोड़ा बहुत बैटिंग बॉलिंग थियोफाइल भी सेम है विदाल नहीं लूंगा मैं जेनो लुइस को मैं फिलहाल ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से दोस्तों मुझे खे हेमिल्टन को ट्राई करना है बाकी यहाँ पे कोई मस्ट बी प्लेयर नहीं है डी जोसेफ़ अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो बट डेफिनेटली मस्ट बी प्लेयर नहीं है फिलहाल दोस्तों इस इधर से मैं अगर देखूँ तो मुझे सेफ ऑप्शन में मैं सोच रहा हूँ कि डियोन बार्टन ट्राई करूँ इसका रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों बट प्रॉब्लम है कि अगर ओपन नहीं आता है तो ये फंस सकता है तो फिलहाल कुछ ऐसा रहेगा मेरा टीम और इस टीम में अगर मेरा कैप बी सी कम्बिनेशन बनेंगे वो बनने वाला है दोस्तों स्टीफेन नाइत्रम एस वी सी एंड कैप के कॉफी जोम्स सॉरी दोस्तों स्टीफन नाइत्रम वी सी कै है कैप्टन कॉफी जेम्स या फिर अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो दोस्तों आप स्मॉल लीग में आपको वी सी कैप बनाना है तो आप किसको बनाओगे देखो यार कोई भी सेफ नहीं है नाइत्रम थोड़े बहुत सेफ है जेनली सबको लग रहा है कि बॉलिंग कर लेगा ये सोचते हो सेफ हो सकता है या फिर टाइसन जो चलो मेरा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा कॉफ़ी जेम्स नंबर वन नंबर टू आपके लिए आ, मेरा बेस्ट ऑप्शन रहेगा टाइसन नंबर थ्री जेनो लुइस एंड नाइट्रम ठीक है फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा टीम और इस मैच के रिलेटेड कुछ भी और क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों फटाफट से जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल थैंक यू दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम पर टेलीग्राम पे थैंक यू दोस्तों